हाँ तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और मैं वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो बड़े ही होंगे और नए भी होंगे, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि मेरे पास हैं ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 124 एंड 125 के मेजर स्पॉयलर्स जो अभी अभी निकल के आए हैं। तो स्पॉयलर्स जानने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो को एंड तक। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं एपिसोड 124 के स्पॉयलर्स पर। तो उसका टाइटल है फियर्स ओवरवेलमिंग असॉल्ट गोहान फाइनल स्टैंड। गोकू एंड वेजिटा कंटिन्यू देयर फियर्स अटैक बट दे टेक अ सेवर काउंटर ब्लो फ्रॉम जीरन। तो दोस्तों, आपको इसका टाइटल पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें गोहान के बारे में कुछ स्पेशल होगा। एपिसोड 123 में हमने देखा नंबर 17 और गोहान टोप्पो के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए अच्छा लड़ रहे थे। पर आपको पता है टोप्पो थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और टोप्पो बहुत पावरफुल। और हमें पता ही है कि टोप्पो नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यूनिवर्स 11 का। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जब गुहान और 17 टोप्पो से फाइट कर रहे होंगे तो 17 वो एक कोऑर्डिनेशन वाली बात करेगा कि जैसे वो कभी पहले लड़े नहीं थे दोनों एक साथ टीम वर्क में, तो इसलिए उनके अटैक कोई मतलब डैमेज नहीं कर पा रहे थे कुछ खास टोपों को। तो शायद 17 कहेगा कि मैं ही लड़ूंगा इससे, और गोहान तुम जाकर फ्रीजा की हेल्प करो। और दूसरी तरफ फ्रीजा डिस्पो से जो लड़ता है, वो डिस्पो अपनी हाई स्पीड की वजह से फ्रीजा के ऊपर भारी पड़ रहा होगा। जैसे कि हमने एपिसोड 123 के प्रीव्यू में भी देखा था कि गोहान एंड फ्रीजा टीम से लड़ रहे हैं डिस्पो के खिलाफ। तो या तो गोहान फ्रीजा की हेल्प करने जाएगा, या टोपो को अपने बिग बैंग अटैक या उसका जो फिनिशर है कामे हामे हाँ, वो अपना लास्ट मारेगा, उसको अटैक करेगा, उसको टोपो को ब्लास्ट कर देगा। पर हम लोग जानते ही हैं जैसे टोपो ने गोकू के साथ जब उसकी फाइट हुई थी पहले, तो सुपर सैयन ब्लू में उसको कामे हामे हाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उसका गोकू के साथ मैच वो ड्रॉ ही रहा था, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट ने वहीं पर ही एंड करा दिया था। तो दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि इस एपिसोड में गोहान को ही ज़्यादा व्यू करेंगे, और नीचे भी लिखा है गोकू एंड वेजिटा कंटिन्यू देयर फियर्स अटैक बट दे टेक अ सेवर काउंटर ब्लो फ्रॉम जीरन। और दूसरी तरफ हमको पता ही है गोकू और वेजिटा जीरन से फाइट कर रहे हैं, और इसमें लिखा है कि फाइट करते करते जीरन उनको अपने एक ग्लास से ही रोक देगा। दोस्तों, ये थी एपिसोड 124 के बाद अब आते हैं एपिसोड 125 पर। तो देखते हैं इसमें क्या है। इस एपिसोड का टाइटल है मैजेस्टिक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो अपीयर्स। 17 एंड फ्रीजा ड्राइव टोपो इन अ कॉर्नर बट एट दैट मोमेंट समथिंग अनयूजुअल हैपेंड टू टोपो। दोस्तों, इस एपिसोड में नंबर 17 और फ्रीजा टोपो के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और उसको फाइट करते करते कॉर्नर तक ले जाते हैं, पर तभी टोपो की अंदर की ताकत जागती है। इसमें लिखा है टोपो की अनयूजुअल एक्टिविटी में फर्क आ जाता है। हम लोगों को पता ही है कि टोपो अपना पावर अप करेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो बनने वाला है उसकी हमें थोड़ी झलक देखने को मिलेगी यहाँ पर। मेरी थ्योरी के हिसाब से टोपो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर को जगा देगा और उसको अनलीश कर देगा। पर दोस्तों, इसमें कहीं गोहान का जिक्र नहीं है। मे बी गोहान शायद आउट हो गया होगा, या ऐसा भी नहीं हो सकता, क्या पता वो डिस्पो से लड़ रहा हो, क्योंकि इसमें डिस्पो का भी कोई मेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, असली क्या बात है वो तो हमको इस एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इस एपिसोड के हिसाब से टोपो अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला पावर अनलीश कर देगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बैन है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसमें फाइट नहीं कर सकते। तो क्या टोपो को अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर यूज करने से ग्रैंड प्रीस्ट या ज़ेनोसामा इसको एलिमिनेट कर देंगे या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या टोपो को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, या ज़ेनोसामा
उसको इंक्लूड कर देगा। तो प्लीज दोस्तों ये जरूर आप कमेंट्स में बताएं मुझे। पर यार शायद अपना गोहान मुझे लगता है एलिमिनेट ही हो गया होगा यार, डिस्पो से फाइट कर रहा होगा, मेरे को इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ स्पॉयलर्स हैं हमारी, हमारा सस्पेंस और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एपिसोड में इसलिए बात का खुलासा होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी आपको ड्रैगन बॉल सुपर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ देता रहूँगा। तो दोस्तों टेक केयर, गुड बाय।